वैसे युवा जो शिक्षक बनने की चाह रखते हैं उनके लिए शिक्षक विभाग की ओर से खुशखबरी दी गई है। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा यह दावा किया गया है कि बिहार में जितनी भी नौकरी महागठबंधन की सरकार लोगों को देगी उन नौकरियों में से 25% यानी कि 1/4 भाग नौकरी शिक्षा विभाग के द्वारा लोगों को दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि शिक्षा विभाग में कम से कम 2,00,000 पदों पर लोगों की बहाली की जाएगी। फिलहाल अभी शिक्षा विभाग में कुछ कमियां हैं जिसे ठीक किया जा रहा है। इन सभी कमियों को पूरा किए जाने के बाद अगले 5 से 6 महीने में नई शिक्षा व्यवस्था प्रभावी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा मंत्री के द्वारा ये सभी दावे मीडिया से बातचीत करने के दौरान किया गया था। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार पर इन सभी चीजों पर काफी अच्छे से काम कर रही है और जल्द ही शिक्षा विभाग में मौजूद सभी कमियों को पूरा कर लिया जाएगा। अगर शिक्षा मंत्री की माने तो उनके अनुसार शिक्षा विभाग में इससे पहले भी कई सकारात्मक बदलाव किए गए थे जिसे पूरे देश में सराहा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग में किन किन पदों पर भर्ती की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 90,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। वहीं प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जिनकी संख्या करीब 1,00,000 से अधिक होगी। इसके साथ ही वीवी में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक में करीब 10,000, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक में 5,000 से अधिक और विद्यालयों में विद्यालय सहायक और परिचारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इन सभी नियुक्तियों के लिए फिलहाल युवाओं को कुछ समय का इंतजार करना होगा क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक नियमावली पर हरी झंडी नहीं मिली है। बता दें कि विभाग नई नियमावली इसलिए बना रही है क्योंकि विभाग इसकी सहायता से पुराने सिस्टम में कुछ कुछ बदलाव करना चाहती है। इस नियमावली के अनुसार आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जा रहा है। इन परिवर्तनों में नियुक्ति प्रक्रिया को डिजिटल मोड पर करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री के द्वारा यह भी बताया गया है कि वैसे शिक्षक जिनके वेतन लंबित है उन्हें जल्द ही वेतन दे दिए जाएंगे। विभाग के द्वारा शिक्षकों को लंबित वेतन को देने के लिए 94 अरब से अधिक की राशि को जारी किया गया है। वहीं अब तक इन पैसों से शिक्षकों के 2 माह के वेतन दिए जा चुके हैं और इसके बाद अब 1 माह के वेतन केवल बाकी रह गए हैं। उसे भी कुछ दिनों में सभी शिक्षकों को दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।